हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालय का कोटा खत्म करने की मांग। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का दर्द छलका है। राज्यसभा में उन्होंने शिक्षा मंत्री से केंद्रीय विद्यालय से सांसद कोटा को खत्म करने की मांग की है। मोदी ने कहा कि इसके कारण लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया है। इस कोटे से वो सिर्फ 10 छात्रों का दाखिला करा सकते हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग इसके लिए पहुँच जाते हैं और जब उनका एडमिशन नहीं होता तो हमें वोट नहीं देते हैं। अगली खबर, राज्यसभा सचिवालय में 100 पदों पर निकली वैकेंसी। राज्यसभा सचिवालय में पर्सनल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। नोटिस के अनुसार राज्यसभा सचिवालय में 100 वैकेंसी निकली है। भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म राज्यसभा की वेबसाइट राज्यसभा.nic.in पर जाकर डाउनलोड करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख जो है भर्ती विज्ञापन जारी होने से 45 दिन तक है। नोटिस में कहा गया है कि इन पदों पर भर्ती डेप्यूटेशन के आधार पर होगी। अगली खबर, बिहार में 20,000 पदों पर होगी नर्सों की नियुक्ति। बिहार में नर्स के 20,000 पद पर नियुक्ति होगी, यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। फिलहाल राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 8,900 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, यह इस महीने पूरी कर ली जाएगी। शेष पदों पर इस वर्ष 2022-23 में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यापक में विभागवार सामान्य पद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे और इसी वक्त उन्होंने 20,000 पदों का जिक्र किया। अगली खबर, बिहार में खुलेंगे 700 नए आयुष वेलनेस सेंटर। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया तैयारी। बिहार में आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए राज्य में 700 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलेंगे। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नए सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में वर्तमान में 40 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर बनाया जाएगा। अगली खबर, बिहार में इस साल नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। उपभोक्ताओं के स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव हुआ खारिज। फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि नहीं। आगामी 1 अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। मौजूदा बिजली दर ही आगे भी बरकरार रहेगी। कंपनी की ओर से बिजली दरों में 9.90% वृद्धि के प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने सदस्य सुभाष चंद्र चौरसिया की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया। आयोग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 23,835 करोड़ की मांग की थी। बिजली की बिक्री से होने वाली आमदनी के बावजूद 1,184 करोड़ कम होने का हवाला दिया गया था, लेकिन आयोग ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया। और पंचायती राज व्यवस्था में बढ़ाया जाएगा आरक्षण। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में मौजूदा आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भाजपा के प्रमोद कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि अभी आरक्षण की जो व्यवस्था है वह 1991 की जनगणना के अनुसार है। वर्ष 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई। विधान पार्षद प्रमोद कुमार ने ध्यानाकर्षण के जरिए सवाल किया था कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं अन्य के लिए कुल 37% आरक्षण है। इसमें 20% अति पिछड़ों, 16% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लोगों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। अगली खबर, अगले सप्ताह जारी हो सकता है बिहार बोर्ड की मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार बोर्ड सूत्रों के मुताबिक मैट्रिक टॉपरों की कॉपियाँ बोर्ड ऑफिस 26 मार्च तक पहुँच जाएगी। विषय विशेषज्ञों द्वारा कॉपियों की जाँच कराने के बाद टॉपर्स का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो अगले सप्ताह बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड का लक्ष्य है कि 30 मार्च तक मैट्रिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएं। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में करीब 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च तक होना था। अब कॉपियाँ पूरी तरह चेक हो चुकी। हालांकि 24 मार्च को मोतिहारी के 25 केंद्रों पर गणित के पेपर की उत्तर पुस्तिकाएँ 1-2 दिन में जाँच कर ली जाएगी। अगली खबर, केंद्र सरकार देश भर में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जन्मस्थली पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसी श्रृंखला में 23 अप्रैल को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली पर भव्य समारोह आयोजन की तैयारी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। समारोह को यादगार बनाने की तैयारियों के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक
पार्टी मुख्यालय में हुई है। जायसवाल ने बताया कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों साथ प्राथमिक चर्चा हो चुकी है। अगली खबर, आगामी 15 अप्रैल के बाद गांव रोशनी से जगमगाने लगेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट से अब ग्रामीणों की रात अंधेरे के बजाय उजाले में गुजरेगी। सोलर स्ट्रीट लाइट का लगाने का काम बिजली कंपनी करेगी। सरकार की साथ निश्चय कार्यक्रम पार्टू स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के तहत गाँव में बिजली विभाग सोलर लाइट लगाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का बिजली विभाग न केवल लागू करेगा बल्कि इंस्टॉलेशन सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग तक करेगा। इसके लिए 17 जिले में पदस्थापित सहायक अभियंता को जिला स्तर पर एवं कनीय अभियंता को प्रखंड स्तर पर विभागीय कार्यों के अतिरिक्त यह कार्य दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद से गांव के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। अगली खबर, बिहार में आज से 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। आपको बता दें कि बिहार में 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक 26 मार्च को नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि बिहार में बैंक को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में 4 दिन तक बंद होने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक बंदी के कारण सभी जरूरी काम अब 30 मार्च से ही निपटाए जा पाएंगे। पैसे निकालने के साथ ही पैसे जमा करना और लोन से संबंधित काम इस दौरान बाधित होंगे। लगातार 4 दिनों तक बैंकों के बंद होने को लेकर आम लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया गया था ताकि वो अपना जरूरी काम निपटा लें और बैंक बंद होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगली खबर, लालू यादव के बाद अब सीएम नीतीश कुमार पर बनेगी फिल्म। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी फिल्म बनाई जा रही। केशव मूवीज इंटरटेनमेंट सीएम नीतीश कुमार पर फिल्म सुशासन द बिगनिंग ऑफ न्यू इरा बनाएगा। यह जानकारी फिल्म के निर्देशक अमित विक्रम ने छोटी सरैयागंज स्थित कमलू बाबू के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। फिल्म के निर्देशक अमित विक्रम ने कहा कि फिल्म के माध्यम से बिहार में 1990 से 2005 तक हुए राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाया जाएगा और इस प्रेस वार्ता में जदयू के कई नेता भी शामिल रहे। अगली खबर, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इधर बिहार में भी इसी दिन बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया था। यह भी संयोग है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यूपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने लखनऊ गए थे। इसी बीच दरभंगा से बुलडोजर अभियान की शुरुआत बिहार में हो गई है। राज्य में अवैध ढंग से बनी इमारतों को गिराया जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। राज्य सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हर जिले को फंड दे दिया गया है। अतिक्रमण हटाने में किसी की पैरवी नहीं सुनी जाएगी। अगर कहीं न्यायालय का मसला आता है तो सरकार उच्चतम न्यायालय तक जाएगी और अतिक्रमण को हर हाल में खत्म किया जाएगा और कहा कि इसकी झलक दिखा दी गई है। अप्रैल से अभियान रफ्तार पकड़ सकता है। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।